हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रिस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो एंड यू आर फीलिंग ब्यूटीफुल। सो अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना अगर ये रेजोनेट करे। मेरे सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इफ़ यू वॉन्ट टू चेक दैट आउट। सो आज हम लोग करेंगे एक जनरल रीडिंग। ये जनरल है, ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपको हेल्प करे आज। सो टुडे वी आर डूइंग अ ज़ोडियक साइन दैट इज एक्वेरियस। एयर साइन एक्वेरियस, यस ठीक है। सो अगर आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस, साइन कुछ भी हो सकता है एक्वेरियस में है, आप देख सकते हो। आई होप दिस रेजोनेट्स। ओके लेट अस स्टार्ट। सो माय एक्वेरियस, व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ माय एक्वेरियस पीपल टुडे टिल सितंबर 10th फ्रॉम सितंबर 1। एक्वेरियस पावर नंबर 8, discontent and boredom number 4. Okay. Hold your vision. Your dreams need a practical plan. Taurus, maybe आपके chart में Taurus हो सकता है, जरूरी नहीं है। Number 8, number 4 important हो सकता है, जरूरी नहीं है again. Okay, let us see Aquarius. Why did I say Taurus? आपके चार्ट में हो सकता है टॉरस, या बोर्डम, डिसकंटेंट, पावर, होल्ड योर विजन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आई एम फीलिंग दैट आप इस वक्त बोर्ड हो या फिर डिसकंटेंट हो। आई वोंट से बोर्ड, रियली बोर्ड, बट आप थोड़े से आपके लाइफ में इस वक्त थोड़ा मोटिवेशन का प्रॉब्लम है। आप थोड़े से डीमोटिवेटेड हो, आपको एनर्जी नहीं है कि आप कुछ करो, इन द सेंस रोज़ वाले चीज़ें नहीं, बट समथिंग इन योर लाइफ मे बी आप डीमोटिवेटेड है किसी कारण से। मे बी आप कुछ ट्राई कर रहे थे नया जो वर्कआउट नहीं किया। मे बी रिलेशनशिप हो सकता है, ये करियर हो सकता है, बिजनेस, जॉब अपॉर्चुनिटी, वॉट एवर, बट आप थोड़े से लाइक डीमोटिवेटेड हो बेसिकली। आपको मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी है, बट यू आर पावरफुल, बट आप उस पावर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। आप एक माइंड सेट में हो जहाँ पे आपका खुद का पावर आप पहचान नहीं पा रहे हो। You are this power. You are powerful. Maybe आपके चार्ट में लियो है, can be, not necessary. लेकिन आप उस पावर को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप उस पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उस पावर के बारे में सोच नहीं रहे हो। आपको लगता है कि ना लाइक आई एम बोर्ड, नहीं हो पाएगा, डीमोटिवेटेड, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा लाइफ ही ऐसा है, क्या फ़ायदा, यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। होल्ड योर विजन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप गिव अप कर रहे हो, डेफिनेटली आप किसी चीज़ में गिव अप कर रहे हो। दिस कैन बी अ रिलेशनशिप, दिस कैन बी योर करियर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस, वट एवर, बट आई एम सीइंग यू गिविंग अप ऑन समथिंग, ऑन योर ड्रीम्स बेसिकली, क्योंकि आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हो कि आप कितने पावरफुल हो, क्योंकि आप इस पेसिमिस्टिक एनर्जी में हो। अगर पास्ट में कुछ ख़राब हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ज़िंदगी ख़राब हो गया। नो, इट्स टेलिंग यू, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू, होल्ड योर विजन। ये जो ड्रीम है आपका, ये जो आप करना चाहते हो, लगे रहो, डटे रहो, टिके रहो इस पे। आप उतना एफर्ट नहीं दे रहे हो मे बी, या आपका जो प्लानिंग है, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉपर नहीं है इस वक्त, इसलिए आप फेल हो रहे हो, इसलिए आप वो मुकाम तक पहुंच नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पावरफुल नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो सिचुएशन का। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिज़र्विंग नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर ले, बट यू आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट बेसिकली। आप चीज़ों को घुमा फिरा के सोच रहे हो, बट आप स्ट्रेट नहीं सोच रहे हो। ओके, सो लेट अस सी योर I didn't even ask a question, justice popped out. आपको justice चाहिए किसी चीज़ से, आपको लगता है आपके साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, fair नहीं हुआ, whatever. Okay? So let us ask Aquarius, my Aquarius, love life of my Aquarius in September, till September 10th. Love energies for my Aquarius till September 10th.
Love energies for my Aquarius people till September 10th. The Star, Three of Cups. Okay, we'll take the Three of Cups here because both of them popped up. आपके नज़र में कोई है, King of Cups, बहुत, you are in love with someone, absolutely in love, or someone is absolutely in love with you, but I think this is you. Page of Cups, Ten of Wands. Let us see why. Another card, please. Aquarius, love energies for my Aquarius. Love energies for my Aquarius people. Queen of Wands. Why is the Ten of Wands here? Eight of Cups, Page of Swords, Ten of Swords. It's this King of Cups and the Queen of Wands. What's the Queen of Wands want here? King of Swords. Okay, Aquarius, I think आई थिंक आपके नज़र में ऑलरेडी कोई है, कोई समवन स्पेशल, ठीक है, जिसे आप चाहते हो. नाउ जिसे आप चाहते हो मे बी वो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, मैरिड है, वॉट एवर, या आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो. अगर ऐसा नहीं है देन आई एम सीइंग यू रियली थिंकिंग अबाउट समवन, आप सोच रहे हो किसी के बारे में, या फिर ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, जिसके साथ, जिसको आप वापस चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है. अगर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो फिलहाल मुझे ये एनर्जी आ रहा है, ठीक है. आई एम सीइंग कि ये जो पर्सन है इनके लिए आपके दिल में बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है, एंड ये पर्सन को एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हो आप. आपको लगता है इस पर्सन में वो सारी खूबियाँ हैं जो आपको चाहिए एज इन अ पार्टनर. ये पर्सन वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है आपके लिए. ओके, पेज ऑफ कप्स, यू वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग. आप इस पर्सन के साथ एक नया बिगिनिंग चाहते हो, एक नया शुरुआत करना चाहते हो. मे बी पास्ट में जो भी हुआ आप उसे भुला के एक नई सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है. विद दिस टेन ऑफ वॉन्ड्स, बट देर इज़ प्रॉब्लम्स, देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन. आपको एक, आपके पास एक, ये एक बर्डन जैसा है टू हैव दिस न्यू बिगिनिंग. आपको लगता है दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये कैनॉट, दिस कैनॉट हैपन. आपके आपके मन में कोई होप नहीं है बिकॉज देर हैज़ बीन एन एंडिंग हियर विद दिस टेन ऑफ सोल्स. यहाँ पे इस पर्सन के बीच में आप दोनों का एक एंडिंग हुआ था, कुछ ख़त्म हो गया था, सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप, वट एवर, सम एंडिंग. पेज ऑफ सोल्स एंड द एट ऑफ कप्स. सो आई थिंक या तो आप इस सिचुएशन से वॉक अवे किए थे या इस पर्सन ने वॉक अवे कर दिया था. एंड दिस पेज ऑफ सोल्स, आई थिंक आप इस पर्सन पर अभी भी टैब्स रखते हो. लाइक आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आप इस पर्सन के बारे में लोगों से पूछते हो, मे बी इस पर्सन का सोशल मीडिया चेक करते हो, वट एवर. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ये जो पर्सन है ये काइंड ऑफ प्लेयर टाइप ऑफ पर्सन था या थी. मे बी इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है विद दिस किंग ऑफ सोड्स, बिकॉज यू आर द किंग ऑफ कप्स हियर. दिस इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ द किंग ऑफ सोड्स. सो आई सी यू बींग इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. ओके, ये जो भी पर्सन है आई थिंक इनके लाइफ में कोई और ऑलरेडी है. येस, डेफिनेटली. मे बी आपको पता है, मे बी आपको नहीं पता है, बट देर इज़ समवन एल्स इन दिस सिचुएशन उनके लाइफ में इस वक्त. मे बी इसलिए ब्रेकअप हुआ था, इसलिए आप दोनों सेपरेट हो गए थे. सी,
क्लैरिफाइड बाय द शैडो साइड. यस. सो ये जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जिसके साथ आप ब्रेकअप कर चुके हो, ये आप हो सकते हो. एनर्जीज कैन बी रिवर्स्ड. मे बी आपसे कोई बहुत प्यार करता है बट आप किसी और के साथ है. आप प्लेयर काइंड ऑफ वाइब दे रहे हो. आप सीरियस नहीं हो. अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, तो ये आपके पर्सन है जो किसी और के साथ ऑलरेडी है. एंड इनको काइंड ऑफ ये थोड़ा सा प्लेयर एनर्जी आ रहा है मुझे. थर्ड पार्टी प्लेयर, नॉट सीरियस, नॉन कमिटल काइंड ऑफ एन एनर्जी, जो कि आपके बारे में एकदम भी सीरियस नहीं थी या नहीं था इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई है, कोई था पहले से या कोई अभी आया है. अगर यू इफ़ यू आर सिंगल, आई एम सीइंग कि आपको किसी पे क्रश हो सकता है जिसके साथ आप कुछ चाहते हो बट वो ऑलरेडी किसी और के साथ है. ठीक है, अगर नहीं है, अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है, मुझे 90% लोगों के लिए दिस, आई एम लुकिंग दिस एज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है फॉर दिस 10% ऑफ यू, आई थिंक कि आप द सेपरेशन वॉट एवर हैपेंड, आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं आप चेंज हो जाए. लाइक वो आपको, मे बी उनको आपसे कुछ प्रॉब्लम है, वो आप में कुछ कमियाँ, लाइक आई वोंट से कमियाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना कि किसी में कुछ कमियाँ हैं. लाइक सब में कमियाँ होती है, सब परफेक्ट होते हैं, सब इम्परफेक्ट होते हैं. सो ऐसे नहीं, बट इस पर्सन का जो चॉइस है वो मे बी कुछ डिफरेंट है, ठीक है, आपसे. एंड ये मे बी थोड़ा सा गुस्सा है आपसे, आई डोंट नो व्हाई, बट समथिंग इज़ ऑफ अबाउट दिस. मुझे अच्छा वाइब्स नहीं आ रहे इस पर्सन से, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. ओके, सो आपको जैसे रेजोनेट करें, आई डोंट नो. सो लेट अस सी योर करियर फाइनेंस फॉर माई क्रेडिट टिल सेप्टेम्बर 10. आई सी वाई यू आर होपलेस विद दिस पर्सन. एम्प्रेस, काफ़ी अच्छे करियर है आपके अभी इस वक्त. यू आर वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग. कर्मा, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, अगर आप सच में चाहते हो, आपको वो मिल सकता है, बट आपको हार्ड वर्क करना है. यू आर गेटिंग डिस्करेज्ड, यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक एनफ, बट आपको करना पड़ेगा. इफ़ यू वॉन्ट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस. ये क्या था, समथिंग जस्ट पॉप्ड आउट. नो, पता नहीं. ओके, सो करियर फूल. ओके, सो आई सी यू टेकिंग रिस्क इन योर करियर. ओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, मनी में. व्हाट एल्स फॉर माई एक्वेरियस इन करियर, जॉब्स, फाइनेंसेस, जस्टिस एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स. क्लैरिफाई द नाइन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड. ओके, सो आई सी एक्वेरियस, व्हाट आई एम सीइंग हियर कि आपके जो करियर है उसमें आपको थोड़ा सा हार्डवर्क देना पड़ेगा. मे बी आप उतना 100% हार्डवर्क नहीं दे रहे हो, ये आपको भी पता है. ठीक है, डोंट डिनाई इट, ये आपको भी पता है. लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मैं तो हार्डवर्क दे रहा हूँ, मैं तो 100% कर रहा हूँ, गुड, कीप इट अप. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक आप नहीं हार्डवर्क दे रहे हो, जिसके लिए आपको रिजल्ट्स प्रॉपरली नहीं दिख रहा है. मे बी आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बेकार, कुछ नहीं हो रहा है आपके लिए. नो, आप कर रहे हो, बट द थिंग इज़ आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, जो आप को शायद पता नहीं है या फिर आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, इफ़ यू वॉन्ट. सो इफ़ यू आर गिविंग हार्ड वर्क, आई सी यू गेटिंग इन दिस एम्प्रेस मोड. आई सी यू हैप्पी, आई सी यू फुलफिल्ड, वेरी पॉजिटिव. लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लीज़. हो सकता है आप किसी ग्रुप में काम करते हो, मे बी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड समथिंग, जो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पार्टनरशिप हो सकता है, आई एम नॉट लाइक, हो सकता है, नहीं हो सकता है, व्हाटएवर. विद दिस फूल आई सी यू टेकिंग रिस्क टुवर्ड्स समथिंग. नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल, आप किसी चीज़ के बारे में रिस्क ले रहे हो. मे बी कुछ नया करियर, कुछ नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है या आ चुका है, आप उसके बारे में रिस्क ले रहे हो. आप एक नया, यू नो, कुछ डिफरेंट करने की सोच रहे हो इस वक्त. आप कुछ डिफरेंट करते हुए दिख रहे हो मुझे. सो यू आर डूइंग समथिंग एल्स रादर देन योर रोज का काम. ठीक है, दैट इज़ वेरी नाइस. आई एम ऑल्सो सीइंग जस्टिस. मे बी आप लीगल कुछ चीज़ों में काम कर रहे हो, लाइक आप लॉयर हो, जज हो, आप
कोर्ट से रिलेटेड, लीगल लॉ से रिलेटेड कुछ करते हो, ज़रूरी नहीं है. बट यस, आई एम सीइंग ऑल्सो, आई एम गेटिंग ए मैसेज कि अगर आपका कुछ लीगल चल रहा था तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगी, उसमें आपके फेवर में मे बी चीज़ें होंगे धीरे धीरे करके, अगर आपका कहीं केस चल रहा था, समथिंग लाइक दैट. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि विद दिस जस्टिस एंड दी नाइन ऑफ सोर्ड्स, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत टेंस थे रिगार्डिंग योर करियर, जॉब, फाइनेंस. आप किसी चीज़ के बारे में बहुत टेंशन में थे, बहुत एंशियस थे. आई एम सीइंग दैट एंशियसनेस इज एंडिंग, वो टेंशन, वो एंजाइटी ख़त्म हो रहा है. ओके, सो लेट अस सी योर करियर, वी हैव डन, दिस इज़ योर करियर, योर लव. नाउ जनरल मैसेजेस, एनीथिंग जनरल एडवाइस मैसेजेस फॉर द एक्वेरियस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जनरल मैसेजेस फॉर माई एक्वेरियस. या आई थिंक यू आर गोइंग इन टू अ पीसफुल प्लेस. आपके पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स थे, या फिर आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थी, प्रॉब्लम्स इन द सेंस आपके दिमाग में जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे, जो भी कन्फ्यूशंस थे, या कुछ भी प्रॉब्लम्स, आप उसको पीछे छोड़ रहे हो. येस, टू ऑफ पेंटिकल्स, यू आर एट अ क्रॉस रोड्स. आपके पास यूनिवर्स ने दो ऑप्शन रखा है, या तो आप लाइक मूव करो और यू कीप स्टक, बट आई सी यू मूविंग. या फिर पास में मे बी किसी ने आपको जगल किया था किसी और के साथ, जैसे कि हम लोग देख रहे थे, या फिर आप जगल कर रहे थे कुछ डिसीशंस को, किसी को कुछ डिसीशंस लेने थे, वो नहीं ले रहे थे उस डिसीशन. क्वीन ऑफ कप्स, यू स्टिल आर इन योर फीलिंग्स, आपके मन में अभी भी फीलिंग्स है किसी के बारे में, बट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स. या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई सी ऑप्शंस कमिंग इन. ओके, इफ यू आर अ सिंगल, और अगर आप न्यू लव ढूंढ रहे हो एक्वेरियस, ओप्स, अगर आप न्यू लव ढूंढ रहे हो, आई होप यू आर एबल टू सी दिस. यस, अगर आप न्यू लव ढूंढ रहे हो, आई सी टू ऑप्शंस कमिंग इन फॉर यू, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स थी, सो आई थिंक ये जो नए ऑप्शंस आ रहे हैं आपके लिए इन लव, ओके, आई थिंक वन ऑफ देम इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट. कोई नया आने वाला है, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस यू विल सी, ठीक है, एंड You will have to choose the right one. Two of Pentacles. आपके सामने options रहेंगे, आपको choose करना पड़ेगा, and उनमें से एक will be your divine counterpart. And past में जो भी हुआ उस चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो. You are moving towards prosperity. You are moving towards happiness. आप happiness की तरफ जा रहे हो. Let me clarify the High Priestess here. The Lovers in reverse. Yeah, so Four of Wands. Okay, so what I'm seeing here, let me clarify the Queen of Pentacles first and the Queen of Cups. आप डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो किसी के साथ, समवन न्यू हियर. आई एम सीइंग समवन न्यू, एब्सोल्युटली न्यू, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है. फोर ऑफ सोर्ड्स, यस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट. पास में ये जो हार्ट ब्रेक था, ये जो भी हार्ट ब्रेक हुआ, जिसने भी आपको चीट किया हो, मे बी आपको थर्ड पार्टी में रखा था, वॉट एवर द सिचुएशन इज, आप यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस. आप उस चीज़ को पीछे छोड़ के आप मूव कर रहे हो आगे. दैट इज़ ब्यूटिफुल, दैट इज़ ब्यूटिफुल. एंड आई एम सीइंग कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. मे बी ए पास्ट पर्सन भी वापस आ जाए, मे बी फॉर 2-3% ऑफ यू, बट आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं इन द फ्यूचर. जिस वक्त आप मूव करोगे, जिस वक्त आप सेटिस्फाइड रहोगे, जिस वक्त आप फुलफिल्ड फील करोगे अपने मन में, योर डोर्स आर ओपनिंग टू सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़. आपके सामने बहुत सारे चॉइसिस होगी.
एंड आपको पता होगा कौन आपके लिए सही है कौन गलत है विथ योर इंट्यूशन. अपना इंट्यूशन को हमेशा काम लगा, लाइक काम पे लगाना व्हेन इट कम्स टू दिस लव सिचुएशन. मे बी ये पास्ट पर्सन के बारे में आपको रेड सिग्नल्स रेड फ्लैग्स मिलते थे, मे बी आप पहले इग्नोर करते थे उस सारे रेड फ्लैग्स को, देन आपको कुछ ऐसा पता चला दैट ब्रोक योर हार्ट बेसिकली. बट आई एम सीइंग यू मूविंग फॉरवर्ड, यस दैट इज प्रीटी गुड टुवर्ड समथिंग. आपका मनी भी अच्छा लग रहा है, लाइक योर मॉनिटरी अबंडेंस इज ऑल्सो कमिंग. यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको रिस्क लेना है, आपको डरना नहीं है, आपको एंशियस नहीं होना है, आपको रिस्क लेना है, आपको लगे रहना है बेसिकली, बिकॉज यू आर पावरफुल, आप ये कर सकते हो. आपका मनी, आपका फ्यूचर अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, लेकिन आप इस वक्त जो माइंड सेट में हो आपको उस माइंड सेट से निकलना पड़ेगा, आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना पड़ेगा. आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो, आप उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है. एंड आई एम सीइंग सम डिवाइन काउंटर पार्ट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस इज़ डेस्टिन्ड. ये पास्ट पर्सन के साथ आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी थर्ड पार्टी था नहीं था आई डोंट नो, बट द मेन थिंग इज़ कि ये जो पर्सन है आई एम सीइंग दिस एज योर डेस्टिनी. ये पर्सन को इस वक्त आना था इसलिए ये सब हुआ. सो डोंट गेट नेगेटिव, समथिंग ग्रेट इज कमिंग, समथिंग मच 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 बेटर फॉर यू देन योर पास्ट, मच बेटर फॉर यू. ओके एक्वेरियस, आई होप दिस रेजोनेटेड एंड हेल्प यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर ज्वाइनिंग इन. लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किए हो तो. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर एंड बाय.